हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, पत्र लेखन। आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन की आवश्यकता, उसके महत्व, उसके प्रकार और उसे लिखने की विधि के बारे में समझेंगे। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पत्र लेखन की ओर। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। इसी के माध्यम से लोग अपने मन की बात अपने से दूर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। तो बच्चों, आपने यहाँ जान लिया कि पत्र लेखन के माध्यम से हम अपनी बात कहीं दूर रहने वाले व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। आइए अब हम पत्र लिखने के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए यह भी जान लेते हैं। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस होनी चाहिए। मतलब बच्चों, जब आप पत्र लिख रहे हैं तो उसकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सामान्य बोलचाल की भाषा के जैसे। पत्र भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक मतलब डेट आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में किसी का नाम उल्लेख किया गया हो तो वही नाम लिखना चाहिए। मतलब बच्चों, जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं उस वक्त अगर लेटर राइटिंग या पत्र लेखन में नाम दिया हुआ है किसी व्यक्ति का, तो आपको उसी नाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब बच्चों, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी आयु अर्थात उम्र, संबंध मतलब उसके साथ आपका क्या संबंध है, उसकी योग्यता आदि को ध्यान में रख के ही भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे कि अगर आप माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। अगर आप अपने किसी छोटे भाई या बहन को पत्र लिख रहे हैं तो उनकी उम्र और उनके साथ आपके संबंध को ध्यान में रखते हुए आप पत्र लिखेंगे, क्योंकि अगर वे छोटे हैं और आप कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपने पत्र में तो वे आपकी भाषा को समझ नहीं पाएंगे। पत्र के अंत में लिखने वाले और प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मतलब बच्चों, जब आप पत्र को समाप्त करते हैं तब लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुरूप ही आपको शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं तो आप समाप्त करते समय लिखेंगे आपका पुत्र और अपना नाम। अगर आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हैं तो आप पत्र समाप्त करने के बाद लिखेंगे तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन और अपना नाम। आइए अब हम पत्रों के प्रकार जान लेते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं और इनको किस प्रकार से लिखा जाता है, इनकी लिखने की विधि क्या है। पत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम एक एक करके समझेंगे कि औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है। आप सामने तस्वीर देख पा रहे हैं बच्चों, यह फॉर्मल तस्वीर है ना। औपचारिक पत्र मतलब ही यही होता है, जिसे आप अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं उसी को हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्रों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। बच्चों, औपचारिक पत्र का अर्थ होता है जब पत्र किसी ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसके साथ आपका व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रिलेशन नहीं होता, उनको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, आइए जान लेते हैं। प्रार्थना पत्र, अवकाश,
शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि। कार्यालयी पत्र मतलब ऑफिशियल लेटर, किसी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग को लिखे गए पत्र आदि। व्यावसायिक पत्र मतलब बिजनेस लेटर्स, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आदि। आइए अब हम अनौपचारिक पत्र के संबंध में भी जान लेते हैं। बच्चों, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे परिवार का चित्र है जहाँ माता पिता है, भाई बहन है, दादा और दादी हैं और सहेलियाँ हैं। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि यह पत्र किस प्रकार का पत्र होगा। इस वर्ग में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र सहेली आदि संबंधियों को लिखे जाते हैं। मतलब बच्चों, ये वे पत्र होते हैं जो उनको लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा पारिवारिक या व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रिलेशन होता है। चलिए अब हम पत्र के निम्नलिखित अंगों को जान लेते हैं कि वे कौन से होते हैं। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं, पहला भेजने का स्थान, दिनांक और पता। पहले यह दाई ओर लिखा जाता था, आजकल बाई ओर से लिखने का प्रचलन हो गया है। संबोधन एवं अभिवादन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, योग्यता, संबंध आदि के अनुरूप शब्द। विषय वस्तु, पत्र के अंत में पत्र पाने वाले से अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करता है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर भी करता है। बच्चों, विषय वस्तु में आप वे भी लिखते हैं जिसमें आप यह चीज विस्तार से बताते हैं कि आपने पत्र क्यों लिखा है। पत्र लिखने के कारण के बारे में भी यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया जाता है। अंत में आप पत्र समापन करते हैं, वहाँ पे आयु और संबंध के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए हम आगे जानते हैं अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं और उसे लिखने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए इस तालिका को ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप सहेली, मित्र या बराबर वालों को पत्र लिखते हैं, तब आप संबोधन के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे। अभिवादन करते समय आप सप्रेम और नमस्ते बोल सकते हैं और जब आप पत्र समाप्त करते हैं तो तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली बोल सकते हैं। अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि, तब आप संबोधन के लिए पूज्य शब्द का प्रयोग करेंगे, अभिवादन के लिए सादर प्रणाम बोलेंगे, समाप्ति करते समय आप आपका पुत्र या आपकी पुत्री शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे हम शब्दों को भी जान लेते हैं। अगर आप दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी को पत्र लिखते हैं जो कि आपसे बड़े हैं, तब आप अभिवादन के लिए आदरणीय दादाजी, दादी जी, सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, पूज्य, पूजनीय आदि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। समापन करते समय आप यह लिख सकते हैं, आपका प्रिय, आपकी प्यारी और अपना नाम। जब आप माता पिता को पत्र लिखते हैं, तब आप पूज्य आदरणीय पिताजी, पूज्या या आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श और अंत में समाप्त करते समय आप आपका प्रिय पुत्र, अपना नाम लिख सकते हैं। बड़े भाई, बड़ी बहन को पत्र लिखने के लिए आप आदरणीय भाई साहब, आदरणीय दीदी आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और अंत में समाप्त करने के लिए आपका अनुज और अपना नाम का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे भाई बहन को पत्र लिखते समय आप अभिवादन के लिए प्रिय अमित, प्रिय श्वेता, सदा प्रसन्न रहो आदि शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं और जब आप पत्र समाप्त करते हैं तब आप लिख सकते हैं तुम्हारा भैया, अग्रज और अपना नाम आदि।
मित्र या सहेली जो कि आपके हम उम्र हैं, समान उम्र के हैं, उनको जब आप पत्र लिखते हैं तब आप प्रिय मित्र लिख करके अपने मित्र या सहेली का नाम लिख सकते हैं और अंत में समाप्त करते समय आप तुम्हारा अभिन्न मित्र और अपना नाम या फिर तुम्हारी सखी और अपना नाम लिख सकते हैं। किसी भी परिचित या जानकार को जब आप पत्र लिखते हैं बच्चों, तब आप प्रिय उनका नाम लिख करके नमस्कार कह के अपना पत्र शुरू कर सकते हैं और अंत में आपका शुभचिंतक या आपके शुभचिंतक करके अपना नाम लिख के पत्र को समाप्त कर सकते हैं। पिता माता द्वारा पुत्र या पुत्री को पत्र लिखते समय आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, प्रिय बेटे, बेटे का नाम, प्रसन्न रहो या सदा खुश रहो, और अंत में तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ या तुम्हारी प्यारी माँ आदि लिख के समाप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक पत्र देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको पत्र के सारी जानकारियाँ बाईं ओर लिखनी है, जैसा कि आप सामने दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं। पत्र लिखने वाले का पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है, उसके नीचे तारीख लिखी जाती है, उसके बाद संबोधन वाले शब्द जो हमने पीछे सीखे थे वो लिखे जाते हैं, उसके बाद अभिवादन लिखा जाता है, फिर अपना संदेश या विषय वस्तु शुरू किया जाता है। अंत में पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध लिखा जाता है और फिर पत्र लिखने वाले का नाम। इस प्रकार से आप अनौपचारिक पत्र को लिख सकते हैं। आइए पत्र को देख लेते हैं एक बार। सेक्टर 2, भाषा नगर, व्याकरण लोग, तारीख 5 जनवरी 2011, संबोधन प्रिय सोनपरी, अभिवादन सप्रेम नमस्कार, संदेश तुम्हारा भेजा जन्मदिन का कार्ड और उपहार मिला, दोनों ही बहुत सुंदर हैं, मेरी सभी सहेलियां पार्टी में आई थी, सबने मिलकर गीत गाए और नृत्य किया, तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, फिर तुम्हारी सहेली और अपना नाम। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मेट बताया गया है कि अनौपचारिक पत्र आप किस फॉर्मेट से लिखेंगे। जब आप परीक्षा भवन में पत्र लिखें तो थोड़ा उसको विस्तार पूर्वक लिखना आवश्यक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और औपचारिक पत्र कैसे लिखें इसके बारे में भी जान लेते हैं। चित्र से ही आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, औपचारिक पत्र मतलब होता है फॉर्मल लेटर। मतलब बच्चों ये वे पत्र होते हैं जिसे आप उनको लिखते हैं जिनके साथ आपका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। आइए देख लेते हैं इसे लिखने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दिए गए तालिका को ध्यान से देखें बच्चों। जब हम किसी अधिकारी, संपादक या प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तब हम संबोधन के लिए मान्यवर, श्रीमान, महोदय या माननीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अभिवादन के लिए हम मान्यवर या महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और समापन करते वक्त हम आपके आज्ञाकारी, निवेदक, विनीत, भावदीय आदि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर भी सारी बातें आपको बाई ओर लिखनी होती है, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, सेवा में प्रधानाचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 56 नोएडा, विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, बच्चों ध्यान रहे यहाँ पर प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल को लेटर लिखा गया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर प्रिंसिपल मेल है तो हम महोदय का प्रयोग करेंगे और अगर फीमेल है तो हम महोदया का प्रयोग करेंगे। निवेदन है कि मैं स्कूल से घर जाते हुए साइकिल से गिर गया था, पैर में गहरी चोट आई है, डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मुझे 10 और 11 फरवरी की छुट्टी प्रदान करें,
धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र सलीम। कक्षा तीसरी अ, दिनांक 10 फरवरी 2011। चलिए आपको एक और उदाहरण दिखाती हूँ। बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं। इस पत्र में भी प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा गया है, परंतु इस पत्र में थोड़ा विस्तार पूर्वक पत्र को लिखा गया है। आइए औपचारिक पत्र का एक और उदाहरण देख लेते हैं। अपने मोहल्ले में चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के संबंध में थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, उत्तम नगर थाना, दिल्ली। विषय, मोहल्ले में बढ़ती चोरी की घटनाओं के संबंध में। एक बात का हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि विषय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप औपचारिक पत्र लिखें, विषय बहुत लंबा नहीं होगा, वह एक ही लाइन में लिखा जाता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले जीवन पार्क की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह आवासीय कॉलोनी पंखा रोड के साथ यहाँ गत एक माह मतलब महीने से चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गई है। पिछले सप्ताह की एक रात को चोरों ने एक ही गली की 3 दुकानों का शटर काटकर चोरी की। उससे 4 दिन पहले कुमार ज्वेलर्स नामक दुकान की दीवार काटकर सेफ तथा ढेरों आभूषण चुरा लिए गए। वे यह काम इतनी निडरता से करते हैं मानो उन्हें कानून का कोई भय ही नहीं रह गया हो। आपसे प्रार्थना है कि इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करें तथा पुलिस गश्त बढ़ाने की कृपा करें। सधन्यवाद भावदीय राम मोहन, आपका एड्रेस और फिर लास्ट में दिनांक। तो इस प्रकार आप औपचारिक पत्र लिख सकते हैं बच्चों। उम्मीद करती हूँ पत्र लेखन को लेकर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगली बार पत्र लिखते समय आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।